झूला फिर से झुलाओ बनवारी हरी सावरिया, अगल बगल में सखिया झूले, अगल बगल में सखिया झूले, बीच में बैठी राधा प्यारी, झूला फिर से झूलाओ बनवारी। नमस्कार दोस्तों, मैं द्रौपदी नंदा, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरा चैनल आप सभी लोग जानते हैं, मम्मी सब कर सकती है। तो मैं मम्मी होकर भी सभी लोगों के साथ एंजॉय करती हूँ। और मैं यहाँ मंडला ज़िला में रहती हूँ, मंडला ज़िला के नैनपुर म्यूजियम में आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाने आई हुई हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले हत्थी राजा के दर्शन कराती हूँ। हत्थी राजा सबसे पहले आने वाले लोगों का स्वागत करते हैं और हम भी उनसे जाकर इजाज़त लेते हैं कि हत्थी राजा, अब हम आपकी बगिया में आ गए हैं और घूमने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा दोस्तों, बने रहिएगा मेरे पूरे वीडियो में। और मैं आप लोगों को आगे सभी दिखाने वाली हूँ म्यूजियम में कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। तो मैं भी गाँव की रहने वाली हूँ और गांव से ही बिलोंग करती हूँ। मंडला ज़िला एक गांव ही है और वहीं पर मैं गांव से ये ब्लॉग हमेशा कहीं ना कहीं जाकर घूमकर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं नैनपुर के म्यूजियम में आई हूँ, अब मैं म्यूजियम के अंदर एंट्री कर ली हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बड़े बड़े दो बत्तख हैं। तो ये भी सबसे पहले हरियाली का प्रतीक मानकर लोगों को स्वागत के लिए यहाँ पर बैठे रहते हैं और सभी लोगों को इजाज़त देते हैं कि जाइए हमारे म्यूजियम में घूमिए और एंजॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बड़ी चोंच है। मेरे को तो पहले डर लग रहा था, फिर भी मैं इनकी चोंच को पकड़ ली, पैर को भी पकड़ ली और चारों तरफ घूम घूम कर देख रही हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। अब मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरी बड़ी दीदी है और साथ में और भी मेरे बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। बड़ी दीदी की लड़की है। और आगे मैं आप लोगों को और दिखाने वाली हूँ, छोटी बहन की लड़की खड़ी हुई है, मेरी छोटी बहन भी आई हुई है, मेरी चाची भी आई हुई हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं। यहाँ पर आकर हम लोग रील वीडियो बनाते हैं और शॉर्ट वीडियो में रील बनाकर मैं डाली हूँ। तो मेरी बड़ी दीदी देखो कितनी आगे चली गई, तारों ने चंदाने गा रही हूँ, सुनिए। देखो सुहाना मौसम किया है, आगे देखो कौन है, हत्थी राजा, हत्थी राजा, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। अब हम म्यूजियम के अंदर पहुंच चुके हैं। मैं वहां पर बोल जरूर रही हूं पर वहाँ की वॉइस सही नहीं आ रही है, इसलिए मैं ऊपर से आप लोगों को बोलकर समझा रही हूँ। यहाँ पर रेलगाड़ी के पूरे अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे पार्ट्स लगे हुए हैं, फ़ोटो लगी हुई हैं, किस सन की रेलगाड़ी किस सन में चली थी, ये सभी फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई हैं। और मैं यहाँ पर रेलगाड़ी का ये सामने वाला पार्ट्स है उसको दिखा रही हूँ। अभी इसको चालू करके भी हम दिखाएंगे। तो ये अलग अलग प्रकार की यहाँ पर सभी मशीनें रखी हुई हैं। रेलगाड़ी में जब हम बैठते हैं तो उनके पार्ट्स और पहिए के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं रहती है, तो यहाँ पर हम पूरा दिखा रहे हैं आप लोगों को। और यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर डेकोरेशन जैसे लगते हैं, ये सभी रेलगाड़ी के अंदर की चीज़ें हैं। और रेलगाड़ी में जो जो चीज़ें यूज होती हैं वो सभी यहाँ पर दी हुई हैं और कुछ तो डेकोरेशन के लिए भी लगाई हुई हैं। और इस तरह से
जहाँ पर रेलगाड़ी का स्टेशन रहता है वहाँ पर सभी दिखाते हैं। ये देखिए सभी प्रकार की बुक्स हैं, जिस सन से रेलगाड़ी चालू हुई थी और चल रही है ये सभी प्रकार की। तो यहाँ पर सभी प्रकार का यहाँ पर पूरा म्यूजियम में दिखाया गया है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये पास से जूम करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार से सजाया हुआ है। ये बहुत सारा है, बहुत बड़ा एरिया में लगा हुआ है। ये देखिए छोटी छोटी यहाँ पे सीढ़ियाँ भी दिखाई हुई हैं, कैसे चढ़ते हैं, कैसे डिब्बे रहते हैं और कैसे डिब्बों में जाकर बैठते हैं और स्टेशन में क्या डिज़ाइन बनी रहती है। ये रेल के पूरे पार्ट्स दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो सभी लोग यहाँ पर देखने आते हैं क्योंकि रेलगाड़ी में तो सभी लोग बैठ जाते हैं, परंतु उनको सभी पता नहीं रहता है कि कहाँ क्या चीज़ रहती है। तो उसी का ये सभी म्यूजियम में बनाकर दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पर क्या रहता है। तो इस प्रकार से इतना अच्छा डेकोरेशन बनाया गया है, परंतु यहाँ पर सभी जगह कांच लगी हुई हैं तो आवाज़ सही सही नहीं आती है, अंदर बोलने पे गूंजती है, इसलिए मैं ऊपर से आवाज़ दे रही हूँ क्योंकि मैं तो पूरा अब यहाँ पर हम एंजॉय कर रहे हैं कि भागो फास्ट। अगर तुम ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो तो उठो, भागो, दौड़ो, धक्के खाओ, पर खाली मत बैठो। घर पर खाली बैठने से जिस प्रकार से ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, उसी प्रकार से शरीर भी सड़ जाता है। तो भागो फास्ट कि भागते रहना ही ज़िंदगी का असली मकसद है। अब हम ऊपर जा रहे हैं, अब ऊपर का जो एरिया है वहाँ पर दिखा रहे हैं। चलो रे साथी, चलो रे बिटवा, चलो रे साथी, चलो रे साथी। आज कहेंगे दिल का फसाना, जाने भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखी, मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट यूं ही मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। और यहाँ पर भी उसी प्रकार का पूरा सीन है। यहाँ पर चलती हुई रेलगाड़ी आप लोगों को दिखाऊंगी, तो ये उसी प्रकार का सीन है जैसा कि हमने नीचे दिखाया हुआ था। और मैं यहाँ पर रेल के सामने का जो डिब्बा था वो चालू हो चुका है, कुछ लोग वहाँ पर देख भी रहे हैं, मैं वहीं ले जाकर सभी लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए रेलगाड़ी जैसी आवाज़ आ रही है। यहाँ पर लाल कपड़ा टांग दिया गया है और पीछे से बल्ब जलाया गया है, तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि रेलगाड़ी चल रही है और भाग रही है। ये सामने वाला पार्ट है, प्रदर्शनी स्थल जैसा बनाया गया है और लोगों को दिखाते हैं कि इस प्रकार से रेलगाड़ी चालू होती है। और ये रेलगाड़ी का पहिया है, तो इस प्रकार से रेलगाड़ी चलती है तो ये पहिया ऐसा चलता रहता है। तो हम इतनी पास से छोटे पार्ट्स के कारण देख पा रहे हैं और यहाँ पर भैया लोग भी घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ और भैया लोग भी बता रहे हैं कि लाल कपड़ा टंगा हुआ है और लाइट जला दिए पीछे से और पंखा चालू कर दिए हैं, तो ऐसा लगता है कि ये लाइट जल रही है। और यहाँ पर देखिए ये रेलगाड़ी का पहिया है, मैं फिर से आप लोगों को दिखा रही हूँ। जिस तरह से रेलगाड़ी चलती है छुक 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 की आवाज़ आती है, वही आवाज़ यहाँ पर सीन में दिखाया जा रहा है और आवाज़ भी सुनाई दे रही है। अब मैं यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि रेलगाड़ी छुक छुक गाड़ी कैसे चलती है। और यहाँ पर कुछ गार्ड भी रहते हैं दोस्तों, तो गार्ड भी यहाँ सुरक्षा के लिए रहते हैं, टाइम टाइम पर यहाँ पर चालू करते हैं, बंद करते हैं। हम अपने खेल में गार्ड को भी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मेरा परिवार है दोस्तों, ये मेरी ब्लू साड़ी में है जो मेरी चाची है, सूट में मेरी बड़ी बहन की लड़की है ये, और ये बड़ी दीदी है सामने और पीछे उधर खड़ी है छोटी दीदी है। तो हम सब लोग यहाँ पर अब डिब्बे खेलेंगे। तो देखिए
छुक 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 रेलगाड़ी चली रे, छुक 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 रेलगाड़ी चली रे, छुक 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 रे, छुक 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 रेलगाड़ी चली रे, छुक 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 रेलगाड़ी चली रे। अब यहाँ पर अब गार्ड भी आएंगे, उनको भी हम रेलगाड़ी का खेल खिलाएंगे। ये देखिए, छुक 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 रेलगाड़ी चली रे, छुक 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 रेलगाड़ी चली रे, छुक 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 रेलगाड़ी चली रे, छुक 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 रेलगाड़ी चली रे। इस तरह से हम छुक छुक रेलगाड़ी, जैसे कि ना बच्चों का खेल रहता है ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको खिलाते हैं। अब ये बड़ी दीदी की लड़की है, छोटी बहन की लड़की है, दोनों ये सामने बैठी है। प्रीति 26 के नाम से इसका चैनल है, तो ये भी ब्लॉग वीडियो बनाती है, छोटे छोटे रील्स बनाती है, तो आप लोग देख सकते हैं इसके चैनल में भी जा कर के। उसी के लिए ये वीडियो बना रही है, फ़ोटो खींच रही है। तो ये जो सामने दिख रहे हैं ये सब इसी में आएंगे। अब हम घूम लिए हैं और घूमते घूमते थक गए हैं, तो सोचते हैं थोड़ा सा रील्स बना लें और यहाँ से चले जाएं। ये देखिए रेलगाड़ी दिखा रही हूँ मैं, छोटी छोटी रेलगाड़ियाँ हैं और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। ऊपर का सीन लीजिए, ये बहुत ही ये पूरा दर्शनी म्यूजियम कहलाता है और लोग यहाँ पर बहुत घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। अब हम सारा घूम लिए हैं और आप लोगों को भी दिखा दिए हैं। हाँ। देखो भैया कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। अब हम नीचे पहुँच गए हैं, देखिए यहाँ पर झूला भी लगा हुआ है, हम झूला एंजॉय भी किए हैं। तो छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, लड़के लड़कियाँ, बुढ़े सियाने सब यहाँ पर एंजॉय करते हैं। यहाँ की 20 रुपया टिकट रहती है, तो लोगों के लिए 20 रुपये कोई मायने नहीं रखता। सब लोग आकर यहाँ पर अपनी थकान मिटाते हैं, हरियाली में आकर घूमते हैं। और देखिए यहाँ पर पत्थरों को कितनी अच्छी तरह से सजाया हुआ है, पत्थरों को इस तरह से डेकोरेशन किए हैं। और यहाँ पर पटरी बनी हुई है और पटरी में यहाँ पर गार्ड पीछे लगे हुए हैं, कि रेलगाड़ी में जिस प्रकार से गार्ड लगे हुए रहते हैं उसी प्रकार से पटरी में ये गार्ड को बिठा ले हुए दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं सफाई कर्मी का भी यहाँ पे सीन बहुत अच्छा दिखाया गया है, कि रेल की लंबी पटरी लगी हुई है और सफाई कर्मी बाहर खड़ा हुआ है, तो रेल में जो भी गंदगी रहती है वो साफ करता है, सब इनकी ड्यूटी रहती है। तो इस प्रकार से ये पूरा सीन रेल का दिखाया हुआ है। अब मैं गार्डन का दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे घर से भाग कर आ जाते हैं और एंजॉय करते रहते हैं, क्योंकि हरा हरा एरिया रहता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर घूमने में। और ये मेरी छोटी बहन की लड़की है, ये भी झूला एंजॉय कर रही है। और यहाँ बहुत सारे लड़के भी आते हैं दोस्तों घूमने, मेरे से फ़ोटो के लिए बोल रहे हैं और ऑटोग्राफ मांग रहे हैं कि मंडला से आंटी है तो हम लोग आपका चैनल भी देखेंगे। और ये देखिए छोटे बच्चों के लिए झूला एंजॉय का बहुत अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं आज, पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसमें बैठकर छोटे छोटे बच्चों को झुलाया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े बच्चे भी झूला एंजॉय कर रहे हैं। अभी इसी झूला में हम भी एंजॉय करेंगे, तो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों, अगर आप लोगों को कभी टाइम मिले तो ज़रूर यहाँ पर मंडला ज़िला के नैनपुर एरिया में ये म्यूजियम है, यहाँ पर ज़रूर आइएगा। और यहाँ पर तालाब जैसा बनाया गया है, ठंडी ठंडी पानी की फुहारें चलती हैं और बहुत ठंडक बनी रहती है, बहुत अच्छा लगता है मन को। इस प्रकार से बड़े बच्चे, बूढ़े, लड़के लड़की सभी एंजॉय करते हैं।
लड़के लोग इतनी जोर जोर से झूल रहे हैं, इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। झूला झूल रही रे सखियों के संग में, झूला झूल रही रे सखियों के संग में, झूला झूल रही अरे झूला झूलाते मोरी कमरिया लचे के यहाँ पर लड़के लोग मेरे चैनल का नाम पूछ रहे हैं और फॉलो करने को बोल रहे हैं। तेरे से झुलाओ बनवारी हरे सावरिया, झूला तेरे से झुलाओ बनवारी हरे सावरिया, झूला झूलते मोरा जियरा डरते हैं, झूला झूलते मोरा जियरा डरते हैं, लचके अमिया की डारी, झूला तेरे से झुलाओ बनवारी, झूला तेरे से झुलाओ बनवारी, झूला तेरे से झुलाओ बनवारी, अगल बगल में सखियाँ झूले, अगल बगल में सखियाँ झूले, बीच में बैठी राधा प्यारी। तो झूला फिर से झुलाओ बनवारी, इस प्रकार से बहुत सारे वीडियो मैं इस चैनल में डाली हुई हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो के लिए, नमस्कार धन्यवाद। इसी प्रकार से मैं अपनी ज़िंदगी की हकीकत लोगों के साथ घूमती फिरती हूँ, भजन में बैठती हूँ, सभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के लिए।